हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से केवल रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। और जैसा कि हम सब ने 500 का टारगेट बनाया है आप लोगों की सहमति से, तो प्लीज़ आई होप यू विल हेल्प अस इन अचीविंग दैट। जिसको यूपीएससी 2023 का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। वीडियोस पुराने जो हो चुके हैं भी लाइव क्लासेस में वो आपको अवेलेबल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस क्वासर। क्वासर इनमें से सब एग्जैक्टली कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट इज रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एमिटिंग एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेकेंड इज रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार। थर्ड इज अ स्टार सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टार्स ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन बैरिसेंटर, या डी स्टार्स दैट हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल। आंसर मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा, आप लोग लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिएगा और बताइएगा कितने सवाल आपने सही से अटेम्प्ट किए हैं। पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि क्वासर को करेक्टली कौन डिफाइन करता है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वासर्स आर एक्चुअली वेरी रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट अ क्वासर इज। ए विल बी द आंसर फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपसे पूछा है रिगार्डिंग द वीनस प्लैनेट, वीनस के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम। दूसरा कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द ओनली नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वीनस। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। एक एक करके आप देख लीजिएगा, आंसर बताइएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका करेक्ट है वन ओनली, यानी कि पहला तो सही है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। हालांकि मरकरी ज़्यादा करीब है सन के, लेकिन फिर भी हॉटेस्ट यही है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर एज वेल एंड ऑल। दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द ओनली नेशन टू लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वीनस, ये गलत है, क्योंकि इसका करेक्ट है सोवियत स्पेस प्रोब जो था उसका लैंडिंग हुआ था वीनस में, एंड दैट वॉज वेनेरा थ्री 1966, ठीक है ना। वेनेरा थ्री सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन दैट वॉज द लैंडिंग 1966 में हुई थी। और इसके अलावा नासा का जो प्रोग्राम है वो मैरिनर नाम का एक प्रोजेक्ट था नासा का, वो इसके अराउंड चक्कर लगाने का था। तो मैरिनर इज अगेन अ नासा मिशन। अभी रिसेंटली दो मिशन अनाउंस किए गए हैं, दाविंची मिशन और आपका वेरिटास मिशन। वेरिटास एंड दाविंची, दीज आर द टू मिशंस दैट हैव बीन फॉर वीनस ओनली। अभी इनको याद रखिएगा, है ना। तो वेरिटास एंड दाविंची नासा के मिशन है और ये रिगार्डिंग वीनस है। तीसरा सवाल है, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन इसमें है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका उड़ीसा। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट से पास करता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है ना। तो यूपी से तो करता है ऑब्वियसली, आपको पता है नैनी मिर्ज़ापुर वहाँ से ही निकलता है ये, है ना। झारखंड से देखो नहीं करता है, तीसरा हट जाएगा, थर्ड हट जाएगा जैसे ही, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 124, और आपका ये उड़ीसा से भी नहीं करता है। सो उड़ीसा से तो करता है, खैर है ना, 125 होना चाहिए, ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, 1245 होना चाहिए था, 1245 होना चाहिए था, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये जिस स्टेट से पास करते हैं उनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तो ये आप याद रख सकते हैं, दीज आर द स्टेट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हैज़ इंडिया चेंज्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। तो क्या इंडिया ने अपनी पोजीशन नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट में कर ली है? सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, और अगर आप इस पर आंसर लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इट एंड डू गिव सम पॉइंटर्स एज वेल। कुछ पॉइंटर्स आपको देने होंगे, है ना, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ द आंसर एंड ऑल, तो आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट में ट्रांसफर किया है अपनी पॉलिसी को। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं जो हिंदू में नहीं थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो 2018 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन पूरा आया था, ऐसे का ही क्वेश्चन आया था ऐसे पेपर में, कि अल्टरनेटिव न्यू टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं जो कि कार्बन एमिशन को कम करती हैं। ये अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया, तो मैंने उसमें देखा कि इसमें बहुत अच्छे से ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मेंशनड है, तो इसमें इंडस्ट्री वाइज मेंशनड है, मैंने को लगा आपको बता दूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला
यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है रिगार्डिंग द पेपर इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑथर ने बोला है पेपर इंडस्ट्री में देखो क्या होता है, बहुत सारा आपको पता है कि आपका पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द पेपर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले कहा है कि पेपर इंडस्ट्री लगभग 0.9 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। पेपर इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रिगार्डिंग नियरली 0.9 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर। सो नाउ वॉट इज द मैथड, देर हैज़ बीन अ न्यू डिवाइस और अ न्यू गैजेट दैट सक्स द इंक ऑफ द प्रिंटेड पेपर। तो नई इसकी टेक्नोलॉजी ये आई है कि एक टेक्नोलॉजी बनी है, एक डिवाइस बना है जिस जो कि पेपर से इंक को बिल्कुल सक ऑफ कर लेता है। एंड दीज शीट्स कैन बी यूज फॉर नियरली 10 times। जब बार बार आप 10 बार एक ही पेपर को यूज़ कर सकेंगे जस्ट बाई यूजिंग दैट गैजेट, तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द प्लांट कटिंग एज वेल एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। क्योंकि जब प्लांट कटिंग कम होगी तो प्लांट रहेंगे, ट्रीज रहेंगे, ट्रीज नहीं कटेंगे क्योंकि पेपर बनाने के लिए आपको ट्रीज की जरूरत पड़ती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, दैट इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री के लिए ऑथर ने लिखा है। तो स्टील इंडस्ट्री देखो आपको पता चाहिए ग्लोबली जो स्टील इंडस्ट्री एमिट करती है इट एमिट्स ऑलमोस्ट 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर, ठीक है ना। एंड अल्टरनेटिव मेथड के रूप में यहाँ पे एक स्वीडन बेस्ड मेथड है, मल्टीनेशनल स्टील मैन्युफैक्चरर है SSAB जो कि स्वीडन का है। SSAB इज फ्रॉम स्वीडन। इट हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड स्टील, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो CO2 स्टील है, इसको बोलते हैं जीरो कार्बन डाइऑक्साइड स्टील बोलते हैं इसको। कैसे जीरो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें रिन्यूएबल पावर का यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील। इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं इसमें रिन्यूएबली प्रोड्यूस एनर्जी से करते हैं, तो ये जीरो कार्बन डाइऑक्साइड स्टील है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री का ऑथर ने लिखा है कि इट प्रोड्यूसेस 2.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर। तो अल्टरनेटिव मेथड एक रेल फर्म है HS2 नाम की, है ना, इन इंग्लैंड। इट हैज़ मेड जिसने कि इसे एक वायाडक्ट बनाया है इंग्लैंड में, ठीक है ना। दैट इज अ सैंडविच ऑफ सीमेंट एंड स्टील एंड द स्मार्ट डिजाइन अलाउज लेस मटेरियल टू बी यूज बाय हार्नेसिंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट एंड स्टील। तो यहाँ पे क्या किया गया, जैसे मान लो सीमेंट के यूज़ को कम करने के लिए उसने भैया स्टील का यूज़ कर लिया, तो रिइंफोर्समेंट भी मिल गई, मजबूती भी बढ़ गई और सीमेंट का यूज़ भी कम करना पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके मिक्स ऑफ टू थिंग्स कर करके थोड़ा जो लगने वाला लागत है, लगने वाला रॉ मटेरियल है, उसकी वैल्यू को कम किया जा रहा है। लगने वाले रॉ मटेरियल्स की वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके एक तरीके से जितना आप कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपने एमिशन बचा लिया है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा 1.8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर करते हैं। तो इसमें नीदरलैंड की एक बायोकेमिकल फर्म है एवेंशियम नाम की, एवेंटियम या एवेंशियम, एवेंशियम आप जो भी पढ़ें। तो इसने पहला वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड प्लास्टिक बनाया है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वीट एंड कॉर्न। वीट एंड कॉर्न से डिराइव करके प्लांट बेस्ड प्लास्टिक बनाया है टू राइवल द PET, यानी कि पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट जो है, पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट, उसको राइवल करने के लिए एक प्लांट बेस्ड प्लास्टिक बनाया है दैट कैन बी यूज टू मेक मोस्ट ऑफ द ड्रिंक बॉटल्स एंड ऑल, है ना। तो आप सबको पता है कि पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट का ही सबसे अधिक यूज़ होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए बनाया है। इसको जो नया प्रोडक्ट है इसका नाम है PEF, जिसको बोलते हैं पॉलीइथीन फ्यूरानोएट, याद रखिएगा पॉलीथीन फ्यूरानोएट, है ना, दैट इज द न्यू प्रोडक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी और आई होप आपने लिख लिए होंगे जो भी नए मेथड्स हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीज आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आई होप यू विल रिमेंबर देम। सेकेंड जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस की। उन्होंने एक नई मीटिंग की थी अभी रिसेंटली फॉर मतलब कि स्टेट्स को जगाने के लिए फॉर कोस्टल क्लीनअप कैंपेन, है ना। कोस्टल क्लीनअप कैंपेन किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ही है। इसको बोलते क्या है, कोस्टल क्लीनअप कैंपेन। अब ये कोस्टल क्लीनअप कैंपेन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोस्टल क्लीनअप कैंपेन एक 75 दिनों का 75 डेज कैंपेन प्रोग्राम है। इट इज़ अ 75 डेज कैंपेन प्रोग्राम विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू क्लीन अप द कोस्टल बीचेस, एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो बेसिकली जो इसका मोटो है वह है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। एम है बेसिकली टू क्लीन अप द कोस्टल बीचेस एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट। 75 डेज प्रोग्राम है एंड टू मेक अवेयरनेस अबाउट रिड्यूसिंग मरीन लिटर, मिनिमल यूज ऑफ प्लास्टिक्स, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, है ना। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के अंतर्गत
75 दिनों का कैंपेन है फॉर क्लीनिंग अप द कोस्टल बीचेस एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट देम, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे जो है वो 17 सितंबर है 2022, 17 सितंबर 2022 को आपका क्या है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब है, 17 सितंबर 2022 को है। इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका, थ्रू दिस कैंपेन मास बिहेवियरल चेंज अमंग द मासेस इज रेंडर्ड बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट हाउ प्लास्टिक यूसेज इज डिस्ट्रॉइंग आर मैरीन लाइफ। यहाँ पे लोगों को ये बताना है बेसिकली कि हाउ द प्लास्टिक यूसेज इज डिस्ट्रॉइंग आर मैरीन लाइफ, ये सारी चीज़। एंड वॉट इज इको मित्रम, तो इको मित्रम बेसिकली एक मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है कोस्टल क्लीनअप कैंपेन, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर और कोस्टल क्लीनअप कैंपेन के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है आपका इको मित्रम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप, इको मित्रम इज़ द नेम ऑफ द ऐप। और ये आपको याद रखना है कि 17 सितंबर 2022 को आपका क्या है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है। तीसरी न्यूज़ है इंटरनेशनल द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इंटरनेट इन इंडिया, ठीक है ना। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम क्या है इंटरनेट इन इंडिया। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या फाइंडिंग्स मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली जो फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। तो अगर हम एट प्रेजेंट देखें कितने यूजर्स एक्टिव हैं इंटरनेट में, तो वो 692 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इन इंडिया, इंक्लूडिंग 350 मिलियन फ्रॉम द रूरल इंडिया एंड 341 मिलियन फ्रॉम द अर्बन इंडिया, ठीक है ना। तो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट रिपोर्ट। एंड रिपोर्ट ये भी कहती है देयर विल बी 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बाय 2025, 2025 तक 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे बाय 2025। दूसरी न्यूज़ थी, दूसरा इसमें पॉइंट है रिगार्डिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो लगभग 346 मिलियन इंडियन यूजर्स आर इंगेज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यूजिंग ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट, है ना। एंड ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है स्पेशली इन द कोविड टाइम्स। कोविड टाइम में आपको पता होगा कि भाई सब ने ऑटो वाले हो गए, चाहे कोई भी हो गया, ठेले वाले तक ने यूपीआई और ये सब रख लिया क्योंकि पता था सबको कि कैश और ये सब चीज़ें चल नहीं रही हैं, लोग एक दूसरे को टच करना पसंद नहीं करते, दूर से ही पेमेंट के निकल गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जेंडर वाइज अगर देखें तो नंबर ऑफ मेल इंटरनेट यूजर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इंटरनेट यूजर्स बोथ इन अर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज। तो ये एक फैक्ट था जो कि इसमें था, है ना। तो देखो जेंडर इक्वलिटी यहाँ थोड़ी तो नहीं है, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड टॉप एक्टिविटीज़ में अगर देखें तो सोशल मीडिया था, एंटरटेनमेंट था, कम्युनिकेशन था, दीज आर द टॉप 3 एक्टिविटीज़ इन द इंटरनेट यूजर्स हु वर इंगेज इन इंडिया। इन टर्म्स ऑफ स्टेट की बात करें तो गोवा में जो था वो मैक्सिमम इंटरनेट पेनिट्रेशन था, वाइल बिहार हैज़ द लोएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड ऑल, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द न्यूज़ आर्टिकल्स। आगे मूव करते हैं, राउत इन ईडी कस्टडी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत जो है, है ना, तो ही इज़ इन द ईडी कस्टडी। ईडी आप सबको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बना था, है ना। तब ये डिपार्टमेंट ऑफ आपका इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। और अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और 1960 में इसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया और फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ के अंतर्गत। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में बाद में इसको डाल दिया गया। तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। दो एक्ट हैं जिनको ये मैनेज करता है, टैकल करता है। एक है आपका PMLA एंड दूसरा है आपका FEMA, ठीक है ना। तो FEMA एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं और ये दूसरा है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि 2002 का है। और इसी ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, PMLA एक क्रिमिनल ऑफेंस है, FEMA एक सिविल ऑफेंस है। तो ये भी याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं, वो लिख लीजिएगा। एक है पहला आपका लेयर प्लेसिंग है, देन लेयरिंग है, एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन है। प्लेसिंग, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ योर मनी लॉन्ड्रिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं।
सो दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर आ गए हैं जिनका नाम है आपका संजय अरोरा। संजय अरोरा सर इज़ द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर एंड ये वही सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जिन्होंने एसटीएफ के साथ रहते हुए जब वीरप्पन का गैंग था उसको बस्ट किया था, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्वड एज द डीजी ऑफ आईटीबीपी, डीजी भी ये रह चुके हैं, ठीक है। तो संजय अरोरा सर हैज़ बीन दैट है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यूज़ है रिस्किंग ऑल फॉर द लव ऑफ अरावलीज। तो यहाँ पे अरावलीज़ के बारे में लिखा हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा अरावली के बारे में बता दूँ जो नहीं लिखा है जो, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अरावलीज़ की बात करें, दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, तो ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। दे हैव फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग, तो एक तरीके से ये फोल्ड माउंटेंस थे, लेकिन अभी ये मतलब रेसिडुअल माउंटेंस के रूप में रिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारा अब इसमें इरोजन और ये सारी प्रोसेस हो चुके हैं। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेनियस रेंजेस इन द वर्ल्ड, है ना, मतलब कि हिमालयन रेंजेस के बहुत पहले बने हुए थे। तो हिमालयन रेंजेस तो आपको कब बनी, ऑर्डो और इन सब पीरियड के बीच आपके लिए क्वेश्चन मेरा ये है कि अरावली बनी कब है, मतलब कि कौन सा टाइम पीरियड है। आर्कियन टाइम बोलते हैं, हेडियन टाइम बोलते हैं, कौन सा टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपके लिए अच्छा सवाल है, आर्यन टाइम, आर्कियन टाइम, हेडियन टाइम, कौन सा टाइम बोलते हैं अरावली के फॉर्मेशन को, दिस इज अ बिग क्वेश्चन टू यू। और ये फोल्ड माउंटेन्स के रूप में मैंने आपको बताया, फोल्ड माउंटेन्स आप सबको पता है कैसे बनते हैं, जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज रहती हैं सब्सिक्वेंट उसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है ना, और इस तरीके से फिर उसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनने लगते हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन्स बनने का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। लगभग चार स्टेट्स में अरावलीज जो हैं वो लाई करते हैं, तो मेनली तो राजस्थान हो गया, फिर आपका ये हरियाणा के थ्रू होते हुए आपका हरियाणा और गुजरात में भी थोड़ा सा पार्ट है इसका, और इसका फिर दिल्ली तक जाता है, दिल्ली रिज तक जाता है फिर ये। तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली चार स्टेट्स हैं जहाँ पर अरावली लाई करते हैं। और जो मानसून की विंड्स होती हैं वो पैरेलल टू अरावलीज निकल जाती है, तो मान लो अगर अरावली रेंजेस ऐसी हैं तो ये पैरेलल ही निकल जाती हैं इस तरीके से, बिना इस पर टकराएं, ठीक है ना। तो इसी कारण से इस रीजन में जो इसका रीजन है इधर साइड, मतलब कहना चाहिए जो ईस्ट ऑफ दैट रीजन है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है ना, दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज लेस रेनफॉल इन दैट, क्योंकि ये पैरेलल रेंजेस निकल जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताने था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में भी आ गया होगा शायद, है ना। तो अरावली रेंजेस आर वेरी वेरी ओल्ड, दैट इज़ द रीज़न वाई दे अभी वो रेसिडुअल माउंटेंस के रूप में रह रही है ना, एंड पहले ये फोल्ड माउंटेंस, ऑब्वियसली दे वर फोल्ड माउंटेंस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में देखना है। अगली न्यूज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है अलाहाबाद म्यूज़ियम टू शोकेस द गैलरी ऑन आज़ाद। अब ये जो अलाहाबाद म्यूज़ियम है, 75th एनिवर्सरी आपको पता है आज़ादी के अमृत महोत्सव की, ऐसे में एक मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसमें गैलरी बनाई जाएगी एंड वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताया जाएगा इन द अलाहाबाद। थोड़ा सा मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताऊँ, तो इनका जन्म वैसे तो मध्य प्रदेश में हुआ था, अलीराजपुर में, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूँ, अलीराजपुर में एक जगह है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये जब 15 साल के थे तभी जुड़ गए थे 1921 के आसपास, है ना, और जब इनको पकड़ा गया तो फिर उन्होंने वहाँ पर अपना नाम आज़ाद बताया था, ठीक है। एंड इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो HRA एक संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हट गया तो आज़ाद जी ने ज्वाइन किया था 1922 में, ये आपका 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन हटा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो चौरी चौरा के बाद इन्होंने क्या ज्वाइन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी वो संस्था बनाई गई थी आपकी 1924 में, याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो बनाया गया था रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1924 में बनाया गया था, और इसको बनाया था, इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल, SN सान्याल जिनको बोलते हैं, SN सान्याल पहला नाम है, नरेंद्र मोहन सेन दूसरा नाम है, प्रतुल गांगुली तीसरा नाम है, याद रखिएगा, प्रतुल गांगुली, नरेंद्र मोहन सेन और आपका सचेंद्रनाथ सान्याल, ये तीन नाम जरूर आपको याद रखने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन है उसमें, और इसमें मेंबर के रूप में थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, है ना। फिर एक्चुअली हुआ क्या कि धीरे धीरे इनका एक और बड़ा काम हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का, जिसमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड आपको पता होगा, काकोरी कांड में इन्होंने एक ट्रेन जो थी उसको लूटा था, है ना, 1925 में ये रॉबरी हुई काकोरी लखनऊ के पास की एक जगह, वहाँ पे रॉबरी हुई 1925 में, ठीक है ना। तो इसमें भी एग्जीक्यूट किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, इन लोग का नाम था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था ये थी जिसका फॉर्मेशन ही चंद्रशेखर आज़ाद पे लाई करता है, वो
है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA जो है आपका 1928 में बनी थी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह ने इसको बनाया था, एंड इट वाज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इसने जेपी सॉन्डर्स का नाम आपने सुना है, जेपी सॉन्डर्स, सॉन्डर्स का मर्डर कराया था, सॉन्डर्स को गोली मारने के लिए गई थी टू अवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय, है ना। और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो डेथ हुई थी वो इलाहाबाद में ही अल्फ्रेड पार्क नाम की जगह है, जिसको बाद में आज़ाद पार्क नाम कहा गया इलाहाबाद में। वहाँ पे 27 फरवरी 1931 को इनको शहादत या कहना चाहिए शहीदी प्राप्त हुई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे देखो गैलरी में एक और चीज़ दिखाई जाएगी, ये जो गैलरी है, ये देखो मैंने आपको जो बताया अल्फ्रेड पार्क जो है, अल्फ्रेड पार्क, ये देखो म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन द अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे फरवरी 27, 1931 को इन्होंने स्वयं को अपने हाथों से ही गोली मारी थी, क्योंकि इनका कहना था कि कभी भी उनके हाथ में नहीं आएंगे। इसके अलावा आज़ाद की जो कोल्ट पिस्टल थी उसको कहा जाता था बामतुल बुखारा, वेपन दैट स्पिट्स फायर, बामतुल बुखारा। तो ये भी याद रखिएगा, बामतुल बुखारा नाम दिया गया था इन्होंने इसको दिया था। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज की, जिसको हम डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। एडिटोरियल में आएंगे तो पहला जो एडिटोरियल है वो पीएमएलए के रिगार्डिंग है। पीएमएलए के, अब आपको रिसेंटली मैंने बताया था कि पीएमएलए में भाई इसको अपहेल्ड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ऑथर ने यहाँ पे दो तीन चीज़ें जिनमें मेजर प्रॉब्लम बताई कि ये जो पीएमएलए एक्ट है वो बहुत सारी चीज़ों का वॉयलेशन है। जैसे कि ऑथर ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर आप देखें तो द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली कुछ चीज़ों में बिलीव करता है, कुछ एग्जियम्स हैं उसके, जैसे कि कौन कौन से एग्जियम्स हैं जो कि जस्टिस और फेयरनेस को बढ़ाते हैं। तो पहले तो हेडिंग डालो, सम एग्जियम्स दैट इंक्रीजेज द फेथ इन जस्टिस एंड फेयरनेस। पहला है, अब आइडियली क्या होना चाहिए, द पर्सन शुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। पहला तो ये होना चाहिए कि वो तब तक इनोसेंट है जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता। दूसरा है, आइडिया दैट अ पर्सन डिटेन्ड ऑन सस्पिशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस वुड बी एंटाइटल्ड टू बेल पेंडिंग ट्रायल, है ना, उसको बेल मिलने की संभावना रहनी चाहिए। तीसरा है, द आइडिया दैट अ क्रिमिनल लॉ ऑट नॉट टू बी रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव मतलब कि क्रिमिनल, उसके पनिशमेंट समय के पहले वाली पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब अगर किसी केस में आज की सज़ा जो है वही उसको मिलनी चाहिए, कोई पुरानी 100 साल पहले की सज़ा नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दी आइडिया दैट अक्यूज्ड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम, एंड दी आइडिया दैट अ सस्पेक्ट हैज़ अ प्रिविलेज अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो ये सारे जो फिनोमिना है, ऑथर ने कहा है कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो है कि करके पीएमएलए का ये जो जजमेंट आया है, जिसको विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट कहा जा सकता है, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अपहेल्ड किया गया, वो सारे ही कहीं ना कहीं टूटे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर ने कहा कि भाई वो है सेक्शन 45, पीएमएलए का सेक्शन 45, जो कि आपका रिलेटेड है ट्विन बेल कंडीशंस से रिलेटेड है। ट्विन बेल कंडीशंस कौन कौन सी आपकी, ट्विन बेल कंडीशंस आपकी हैं बेसिकली कि पहला तो ये कि द जो एक्यूज्ड उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज इनोसेंट नॉट गिल्टी, इनोसेंट उसको प्रूव करना पड़ेगा खुद को, है ना। एंड दूसरा ये है कि उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बेल के दौरान वो ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करेगा, नो नन ऑफ द ऑफेंस शैल बी रिपीटेड इन द बेल टर्म। तो ये दोनों चीज़ उसको प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये जो ट्विन बेल कंडीशंस है दीज आर हाईली डिमांडिंग एंड ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी के लिए पूरा करना। दूसरा ऑथर ने कहा है कि जो टर्म्स है मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप एक्ट पढ़ो, ये भी आप सीधे लिख लेना कि जो सुहृद पारसारथी हैं जैसे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो डेफिनेशन लिखा है और उसमें जो लिखा है सेक्शन 3 में लिखा है, देखो क्या लिखा है, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime including its concealment, possession, acquisition or use and projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering। तो ये proceeds of the crime है, proceeds of crime जो है ये बहुत ही vague term है। author ने कहा कि जो ये जो proceeds of crime है, what is this proceeds of crime,
है ना। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक टर्म है जिसका कि फिर उसको किसी भी तरीके से मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस, अब इसके लिए अलग से एक दूसरा पढ़ना पड़ेगा आपको कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम क्या है। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम मीन्स प्रॉपर्टी दैट इज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द कमीशन ऑफ अ क्राइम रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। मतलब अब प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम समझने के लिए आपको पहले शेड्यूल्ड ऑफेंस समझना पड़ेगा। तो ऑथर ने कहा कि इतनी सारे कनेक्शन हैं दैट मेक दिस टर्म वेग, एंड ये पूरा का पूरा जो एक्ट है फिर इस कारण से वेग हो जाता है जिसका फिर मिसयूज किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्पेसिफिक ऑफेंसेज हैं जैसे कि आईपीसी के 1860 के अंदर जो ऑफेंसेज हैं, है ना, फिर आपका आर्म्स एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो है, जो कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है, ये सारे जो एक्ट्स हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं ये सारे शेड्यूल ऑफेंसेस हैं। फिर इनसे जो भी पैसा मिल रहा है कहना चाहिए कि जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू दीज शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, मतलब इन ऑफेंसेस के कारण जो पैसा आएगा वो सारा भी इससे रिलेटेड है। तो ऑथर ने वही कहा है कुल मिलाकर के कि भाई ये जो है ये क्लैरिटी नहीं क्रिएट करते, इट इज़ क्रिएटिंग मच मोर, मतलब ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये और ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आ रही हैं बिकॉज ऑफ दैट। फिर इसके बाद ऑथर ने ये भी कहा, जैसे मैंने आपको ट्विन वेल कंडीशन बताई, दूसरा जो टर्म्स मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो समझना, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया ECIR के बारे में बता देता हूँ। ECIR मतलब जो इसकी इन्फोर्समेंट की जो रिसीट होती है, मतलब कि जो FIR होती है, रिपोर्ट होती है ना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये ECIR कहलाता है। इनको ECIR दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर जब तक ये अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तब तक। तो इससे मतलब व्यक्ति को यही नहीं पता चलेगा कि वो किसको बुलाया, किस ले जा रहा है, उसको विक्टिम के रूप में बुलाया जा रहा है, विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, या अक्यूज के रूप में बुलाया जा रहा है, ना समझ नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लास्ट ऑथर ने कहा है कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि KS पुट्टास्वामी केस में रखा गया था कि भाई कोई भी पनिशमेंट जो है वो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ना हो, और ये सारी चीज़ें चेक करने की, लॉ ऐसा तो नहीं कि आपको ज़्यादा पनिश कर रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पनिश कर रहा है, सारी चीज़ें। तो ऑथर ने वही कहा है कि केस पुट्टास्वामी का केस अगर हम देखें तो ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास तो नहीं कर पाएगा, एंड डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको देखना चाहिए था बट वो देखे नहीं गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है, यहाँ देखो, इंडियाज वीट वेवर, WTO डिमांड इज रिस्क फ्रॉड। अब यहाँ पे वीट वेवर के बारे में देखो, अब ऑथर ने यहाँ पे WTO में इंडिया की जो डिमांड्स हैं उनका एनालिसिस किया है। दो मेजर डिमांड्स इंडिया की रही हैं। पहली है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के रिगार्डिंग, भैया इसमें कोई लिमिटेशन ना लगाई जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में आप सबको पता है कि हम भाई गवर्नमेंट खुद भी कई बार किसानों से खरीदती है, MSP पे खरीदती है ना। जब फार्मर्स को सही रेट नहीं मिलता है तो MSP पे गवर्नमेंट को खरीदना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने हमेशा रिक्वेस्ट ये की है कि भाई पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए, ठीक है ना। वहीं पे जो दूसरी कंट्रीज हैं बाहर की, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में वैसे तो वो नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि जो आपका जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए है उसमें आपको थोड़ा सा, एक तो उन्होंने अपर लिमिट की बात कही थी डेवलप्ड कंट्रीज ने, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में वीट या राइस आपने जो भी खरीदा है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। You cannot export that. अब आप कॉमन सेंस लगाइए, उसको क्यों एक्सपोर्ट करने देंगे, वो तो कम प्राइस पे खरीदा गया होगा, दैट इट एज इज एट रिड्यूस्ड प्राइस। तो इसलिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ये कहती हैं कि भाई अगर आपने उसको रिड्यूस्ड प्राइस में ख़रीदा है एंड देन अगर आप उसको इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे तो वॉट विल हैपन द थिंग दैट विल हैपन इज दैट कि वो इंटरनेशनली प्राइजेस को डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपने कम प्राइस पे ख़रीदा है और कम प्राइस में आपने उसको खरीद करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचने चले गए, तो इससे क्या है इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगा जो बाकी कंट्रीज हैं, तो इसलिए उसको मना किया जाता है। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा कि आप क्यों डिमांड कर रहे हो एक्सपोर्ट करने की, ऑलरेडी आपको ये पता है कि आपकी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग अभी कम हुई है, बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। तो सन 2020-2021 अगर 2020-21 देखा जाए तो योर स्टॉक होल्डिंग इज़ ऑलरेडी लोअर देन व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इंडियाज फूड सिक्योरिटी, भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए जितना चाहिए उससे भी कम आपके पास है। तो आप फिर एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे नहीं इसको तो आप उसका वो रिमिशन मांगिए मत, क्योंकि दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट, वो वैलिड पॉइंट भी है क्योंकि आप उसको ऑलरेडी कम प्राइस पर परचेज कर रहे हैं। तो ऑथर का ये सजेशन है कि इससे ज़्यादा बेटर ये
होगा कि आप उसमें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का ये मांग लीजिए कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो हमारे पास है दैट शुड नॉट बी लिमिटेड, उसको आप लिमिट ना करें, वहाँ पे हमको होना चाहिए। ऑथर ने सजेस्ट ये किया कि भाई गवर्नमेंट ये कर सकती है, व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन अलाउ द इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स इंडिया के, उनको अलाउ कर सकती है कि दे कैन अलाउ द व्हीट। अगर आपको देखो इंडिया का मेन एम ये था, इंडिया का एम ये था कि ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन रशिया का जब तक वॉर चलेगा तो वो कमर्शियल मार्केट को टैप कर ले व्हीट और राइस वाला। लेकिन इस मार्केट को टैप करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का व्हीट और राइस एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, एंड वही जो है वही चीज़ इंडिया मांग रहा है कि भाई हमको मिलना चाहिए, वेवर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो डिमांड है ये दैट इज़ नॉट अ वैलिड डिमांड, ये ऑथर ने यहाँ पे कहा है। तो अगर आपको ये मार्केट कैप्चर करना भी है तो आपने जो लिमिटेशन लगा रखी है इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट वीट के सेलर्स हैं, उनको आपने एक्सपोर्ट करने से मना ही कर दिया है ना, क्योंकि इंडिया की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो ऑथर ने वही कहा कि देखो कोई भी चीज़ जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती है वो अलाउ तो करेगा नहीं WTO कभी भी, तो आप फिर ऐसी डिमांड ही ना करो जो कि अलाउ कर रही है इस तरीके से करें, है ना। एंड इट इज़ वेरी क्लियर that ki the wheat and rice which will be procured by using MSP or some subsidized price that will not be used for the international trade. To yahan pe wahi issue tha is pure article mein. I hope you got clarity. Bringing Eurasia closure, to yahan pe author ne baat ki ki abhi recently railfreight.com agar aap padhe to wahan pe 40 फिट कंटेनर्स ऑफ वुड लैमिनेटेड शीट्स जो हैं वो आई हैं फ्रॉम कैस्पियन सी, फ्रॉम रशियाज अस्त्रखान पोर्ट, देन एंटर्ड इनटू ईरान्स अंजली पोर्ट, फिर देन कंटिन्यूड टू द टुवर्ड्स अरेबियन सी, उसके बाद फिर बंदर अब्बास एंड इवेंचुअली फिर नहावा शिवा जो आपका मुंबई है वहाँ तक आया है। तो ऑथर ने कहा ये जो जर्नी है सिग्नल करती है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है विच इज़ अ 2200 किलोमीटर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट कंबाइंस रोड रेल मैरिटाइम रूट्स कनेक्टिंग रशिया एंड इंडिया वाया सेंट्रल एशिया एंड ईरान। तो ये रशिया से लेकर के इंडिया तक सेंट्रल एशिया और ईरान के वाया ये कनेक्ट करता है पूरा INSTC, इसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ऑथर ने कहा कि इसकी शुरुआत कहना चाहिए कंसोलिडेटेड, इसकी स्टार्टिंग आप मान सकते हैं इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद। अब ऑथर ने कहा INSTC जो है वो बहुत ज़्यादा काम का है इंडिया के, ऑब्वियसली सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि हम मतलब पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू गो टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जाने के लिए हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, स्पेशली जो चाबहार पोर्ट बन के आए वो एक है, फिर इसके बाद जहेदान ये जो लाइन बनी है ना, चाबहार जहेदान की रेलवे लाइन भी बनाई गई है। तो ऑथर ने वही कहा कि ये हमको एंट्री देगा, डायरेक्टली एक्सेस देगा टू द अफगानिस्तान रीजन। इसके अलावा जो फ्रीट में जर्नी का टाइम है एंड जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। वंस ऑपरेशनल, देखो लिखा हुआ है वंस फुल्ली ऑपरेशनल INSTC इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द फ्रीट कॉस्ट बाय 30% एंड जर्नी टाइम बाय 40%। तो आप समझ लीजिए कॉस्ट को 30% एंड जर्नी टाइम को 40% तक रिड्यूस कर देगा। और अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में हमने देखा भी था कि स्विच कैनाल में कैसे जाम लग गया था और फिर वहाँ से कुछ 4-5 दिन तक कुछ जा ही नहीं पाया है ना, पूरा मैरी टाइम ट्रेड ही रुक गया था। तो ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी होती रहती हैं और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट INSTC में वो काफ़ी ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट है, चाहे ईरान का चाबहार पोर्ट आप देख लीजिए, चाहे 500 किलोमीटर का चाबहार जहेदान रेलवे लाइन देख लीजिए। एंड ये जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल अलाउ इंडिया टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, मतलब कि उसमें हम फिर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, है ना। इंडिया कैन नाउ बाईपास पाकिस्तान टू एक्सेस अफगानिस्तान, स्पेशली सेंट्रल एशिया हम जा सकते हैं विदाउट गोइंग टू पाकिस्तान। सेकेंडली INSTC कैन शेप नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि हमको काफ़ी क्लोज लाएगा रशिया से और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ से, प्लस चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका एक अल्टरनेटिव भी इसमें INSTC में हमको मिलता है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऑथर ने कहा कि भाई इंडिया जो है वो ना केवल फाउंडिंग मेंबर है INSTC का बल्कि वो क्वाड का भी एक मेंबर है फाउंडिंग। तो कहना चाहिए कि ये एक चीज़ जो शोकेस करती है कि हम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे, अब क्योंकि क्वाड अगर आप देखो तो क्वाड आपका किसका है, क्वाड आपका अमेरिका का है, दूसरा आपका क्वाड अमेरिका का हो गया और दूसरा आपका ये जो INSTC है ये आपका किसका है, ये आपके रशिया का है। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें कि कितना ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से ऑथर ने कितना ज़्यादा कि बताया कि किस तरीके से ये इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ मूव करता जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, द टेक्नोलॉजी पावरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की है, तो न्यूज़ क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली ऑटो मेकर्स हैं कुछ जिसमें मारुति सुजुकी टोयोटा होंडा है, उन्होंने हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इंडिया में लॉन्च करने की बात कही है, ठीक है ना। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेस अ पेट्रोल और डीजल इंजन, एक तो उसमें पेट्रोल डीजल इंजन होता है एंड एक उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है टू रन एंड वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर टू रन। इट इज़ पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर अलोन विच यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज बाय पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो या ये इसमें रनिंग होती है इलेक्ट्रिक मोटर से, लेकिन उसमें जो एनर्जी यूज होती है दैट इज़ यूज बाय द बैटरीज, है ना, और वो बैटरीज को पावर कहाँ से मिलती है, ये पेट्रोल एंड डीजल इंजन से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस तरीके की प्रोसेस यूज होती है इसमें, ठीक है ना। अब ये वर्क कैसे करता है, तो HEV यानी कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, दे आर बेसिकली डिजाइन टू पावर कार्स इन अ सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल स्प्लिट अप मेथड। तो यहाँ पे याद रखिएगा सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन है उसमें कनेक्टेड रहती है बैटरीज, उनके थ्रू उसको पावर मिलता है, ठीक है ना। अब इसमें एक तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है विच इज ड्राइविंग द व्हील्स, लेकिन इसमें ICE यानी कि जो आपका इंटरनल कम्बशन इंजन है वो पावर करता है, वो पावर जनरेट करता है और उससे बैटरी आपकी चार्ज होती है। तो बैटरी चार्ज होती है आपकी पेट्रोल डीजल से, लेकिन उस बैटरी के थ्रू फिर मोटर रन होता है, मोटर रन से आपका व्हीकल चलता है। तो ये आपका HEV है बेसिकली। अब इसमें ऑथर ने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीजनरेशन, मतलब इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें यूज क्या होता है, पूरी जो डिजाइन है इसमें, चाहे वो सीरीज पैरेलल हो चाहे स्प्लिट पावर पैरेलल हो, है ना, इसमें आपका मेन जो चीज है बैटरी चार्ज यूजिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो जो बैटरी चार्ज हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग या RBS भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है RBS सिस्टम, इट इज़ यूज इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और इसमें मिनिमम एनर्जी वेस्टेज भी होता है। तो RBS कैसे होता है, एनर्जी रिकवरी तीन तरीके अलग अलग तरीके से होती है। एक तो होते थे काइनेटिक सिस्टम जो है, इट कैन रिकवर द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड देन यूज दिस एनर्जी टू रिचार्ज द हाई वोल्टेज बैटरी ऑफ द व्हीकल। मतलब कि जो काइनेटिक सिस्टम है, काइनेटिक सिस्टम लगा दो जो कि एनर्जी को, जो ब्रेकिंग में जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको यूज करके रिचार्ज कर दे बैटरी को। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोटर रनिंग, मोटर चल रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, ठीक है ना, तो उससे भी कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑथर ने कहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करके भी आप उसको रिचार्ज कर सकते हो। तो नाम अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में इंटर मत करो। देखो मैंने आपको जो कीवर्ड बताया तो आपको याद रहना चाहिए कि हाइब्रिड होता क्या है। हाइब्रिड मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है, जिसमें कि आपका एक तो बैटरी लगा होगा, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्टेड होगा आपका मोटर, ये कनेक्टेड है आपका मोटर, मोटर से घूमेंगे आपके पहिए, ठीक है ना। लेकिन ये बैटरी रिचार्ज कैसे होगी, ये बैटरी चार्ज होगी बाय यूजिंग इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है। सिंपल से ये आपको याद रखना है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो इसको रिचार्ज करने का तरीका होता है इन द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, ये छोटा नहीं कम कॉस्ट का नहीं रहेगा क्योंकि इसमें RBS भी यूज़ होना है, इसमें दोनों चीज़ें होनी है, तो इसमें इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये एक बेसिक चैलेंज मेजर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। PMLA वर्डिक्ट हर्डल फॉर अंडर ट्रायल्स, ये सेम वही आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया है ना ऊपर आज एडिटोरियल में, वो सारी चीज़ें हैं। ऑथर ने यही कहा कि भाई देखो आपने जितने रूल बनाए ना, कि आपने बोला बेल एंड नॉट जेल शुड बी द रूल, वो एक तो वायलेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रेशर है किसके ऊपर डाल दिया है, वो आपने डाल दिया है पूरा का पूरा बंदी के ऊपर, अंडर ट्रायल के ऊपर, है ना, कि वो खुद को प्रूफ करे कि वो सही आदमी है। तो ऑथर ने कहा कि बेल एंड नॉट जेल आप कह भी रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो होना जेल ही चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने इशू उठाए हैं और बाकी जो इशूज मैंने आपको बताए ऑलरेडी वो सारे इशूज ही हैं यहाँ पे, कोई ऐसा अगला और इशू नहीं है। अरुणोदय स्कीम टू एड द असम ट्राइकलर प्लांट्स, तो अब यहाँ पे अरुणोदय स्कीम लाई गई है असम में। देखो तो असम गवर्नमेंट क्या करती है, 1,000 रुपये मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में ट्रांसफर करती है टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीक वुमेन। इकोनॉमिकली वीकर जो वुमेन होती हैं उनके अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफर करती है असम गवर्नमेंट। इस बार अरुणोदय स्कीम के अंतर्गत वो क्या करेंगे, 18 रुपये एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि 2 झंडे खरीदे जा सके, ठीक है ना। तो झंडे खरीदने के लिए, 2 झंडे खरीदने के लिए उन्होंने 18 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आपके लिए एक सवाल मेरे तरफ से ये है, बस इसको मैंने सवाल के लिए घेरा बनाया था। आप अपना मैप खोलना, ब्लैक सी को मार करना, मुझे ब्लैक सी से टच होने वाली कंट्रीज़ के नाम बता दो कमेंट सेक्शन में, ब्लैक सी से टच होने वाली कंट्रीज़ के नाम, ठीक है ना। यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है वो 4 दिन का एशिया टूर करेंगे और वो ताइवान भी जाएंगी। तो नैन्सी पेलोसी, मैंने नाम बता दिया आपको, याद रखिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर भी हैं। एंड इस ट्रिप में वो फोकस करेंगे बेसिकली ऑन द म्यूचुअल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डेमोग्राफिक गवर्नेंस एंड इंडो पैसिफिक रीजन, ये 4 चीज़ें जो कि करेंगे। डेब्री फ्रॉम चाइनीज रॉकेट फॉल्स ऑन अर्थ, तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक चाइनीज बूस्टर रॉकेट था जो कि अभी अनकंट्रोल्ड रिटर्न टू अर्थ हुआ इसका, और वो पूरा उसका डेब्री जो है वो गिर गया इंडिया में। और आप सबको पता होगा तियानगोंग का नाम मैंने आपको बताया था, तियानगोंग जो है वो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियानगोंग, और उसका भी एक मॉड्यूल ऊपर गया था। तो उस मॉड्यूल को ऊपर ले जाने वाला जो मतलब रॉकेट था, बूस्टर रॉकेट था, वही नीचे आ गया है ना, तो याद रखिएगा। और ये गिरा कहाँ पे, सुलुसी, सुलुसी कहाँ पर आपका, इट इज़ नियरली नॉर्थ ईस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, बोर्नियो के आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में जब आप देखेंगे तो सुलुसी आपको दिखेगा, और सुलुसी में ही आसपास ही गिरा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जर्मनी डिबेट्स न्यूक्लियर शटडाउन एमिट गैस सप्लाई कट, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि रशिया ने गैस कट कर दिया है जर्मनी के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कुछ सिस्टम ख़राब चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस करेंगे अब आपको नहीं दे पाएंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि यूरोप जो है ओवरऑल लगभग 33 to 35% और कुछ कुछ कंट्रीज़ में तो 60% तक डिपेंडेंट है आपके रशिया के नेचुरल गैस इन सब के ऊपर। अब यहाँ पे नेचुरल गैस की सप्लाई कट जाने से जर्मनी के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, और हो सकता है वो अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट 2024 में बंद करने वाले थे वो अब अभी ही बंद कर दें, ठीक है ना। दे कैन शट देयर न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इनको चला पाएं विदाउट द गैसेज एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडिया को अब 3 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, अचिंत को अभी 3रा गोल्ड मेडल मिला जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड भी बनाया। तो ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।